बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम या इस्लाम अदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफ़री खान और इस टाइम में मौजूद हूँ बलद में, इराक़ की सिटी है ये बलद, जहाँ पर रोज़ा है सैयद मोहम्मद का। ये इमाम नक़े इस्लाम के बेटे हैं और यहाँ पर मन्नत के जो ये दुम्बे हैं ये दिए जाते हैं, बकरे दुम्बे, और ये मैक्सिमम जो रेट्स हैं इनके $80, $90, $100, और ये इसमें मिल जाते हैं यहाँ पर आसानी से। बहुत सारे मोमिनीन की जो हैं यहाँ पर मन्नतें होती हैं, चढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पर आते हैं मोमिनीन, वो ख़ुद भी करते हैं, किसी के थ्रू भी करवाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था, और इसके बाद मैं अब आपको ज़्यारत करवाऊँगा हरम की, सैयद मोहम्मद की। तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखिएगा, ये सारे सारे मन्नत के बकरे हैं, दुम्बे हैं, और इनके जो रेट्स हैं मैक्सिमम जो हैं 80, 90, 100 डॉलर तक ये इनके रेट्स होते हैं। तो आइए अब मैं आपको हरम की साइड पर लेके चलता हूँ और ज़्यारत करवाता हूँ। हरम में ये जो सहन मुबारक है ये अभी बनाया गया है, ये पूरा अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है, और ये जो सहन है ये अभी बनाया गया है नया। और इसके अलावा दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सहन बनाया गया, और अभी जो है इस रोज़े का जो गुंबद है वो बनाया जा रहा है, मीनार जो है बन चुके हैं और अब जो है गुंबद बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे मोमिनीन जो इनकी औलाद होती है, ख़ास तौर पर औलाद की यहाँ से मन्नतें उठाई जाती हैं, और औलाद के लिए ही फिर जो है वो फिर यहाँ पर दुम्बा भी देते हैं जिनको औलाद हो जाए। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको वो दुम्बे दिखाए सारे। बहुत सारे मोमिनीन पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, किस तरह से देते हैं, तो यहाँ पर ये दुम्बा काट के ये लोग मजीफ में ही दे देते हैं, और ये सारा सहन है आता है ये, और ये सारा रोज़े का मंजर है। और अब मैं आपको अंदर ज़री के पास भी लेके जाऊँगा, साथ साथ रहिएगा, ज़्यारत कीजिएगा सैयद मोहम्मद बिन इमाम अली अल हादी, इमाम नकी इस्लाम के बेटे हैं, और बहुत ज़्यादा इन पर मतलब कि इराक़ या पूरे वर्ल्ड से दुनिया आती है, और यहाँ पर ये औलाद के लिए ख़ास तौर पर जो मन्नतें मानी जाती हैं वो बाकायदा मैंने बहुत सारे लोगों की देखी हैं पूरी होते हुए। तो ये जो है ये मकाम है सैयद मोहम्मद का। तो मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा, ज़री पे भी, ज़री पे भी ज़्यारत कीजिएगा। यहाँ पर बहुत प्यारा एक बैनर है मौला इमाम ज़माना के नाम से, चले वही फरज मरकज सैयद मोहम्मद बिन हादी अल हादी। तो अभी मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, और अप्रैल की 2023 की ये ज़्यारतों में से एक ज़्यारत आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप तमाम मोमिनीन अपडेट होते रहें, ताकि आपको नई नई चीज़ें दिखती रहें। बहुत सारे मोमिनीन बहुत पहले दफ़ा बहुत पहले आए होंगे, और बहुत सारे मोमिनीन अभी पहली दफ़ा होकर गए होंगे उनके लिए भी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की जानिब। ये जो है यहाँ से औलाद की मन्नतों के धागे वगैरह लिए जाते हैं, वो फिर जो है बांधे जाते हैं, और फिर जो है इनके मरकज़ पे दुआ की जाती है कि जब भी हमें औलाद होगी तो इंशाल्लाह यहाँ हम दुम्बा की कुर्बानी करेंगे, और फिर जो है वो मोमिनीन जिनको इनके करम से जो है औलाद होती है, तो फिर वो यहाँ आकर औलाद के लिए दुम्बे की मन्नत पूरी करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगा अंदर, ज़री मुबारक की भी ज़्यारत करवाऊँगा, साथ रहिएगा। ये सारे मनाजर देखते हुए दुआ करते रहिएगा कि मेरा मौला आप सबको भी जल्द इस ज़मीन करबला और बगदाद सामरा सारी ज़्यारत नसीब फरमाए इलाया में। तो ये अभी अंदर के यात्रा की आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है यहाँ से ये मरकज़ है सैयद मोहम्मद बिन इमाम अली अल हादी, इमाम नकी इस्लाम के बेटे। ये दुआ करते रहिएगा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और मेरी दुआ है उन सब बे औलाद मोमिनीन के लिए जिनकी औलाद नहीं है, मेरा मौला इनके करम से उन सबको औलाद नसीब फरमाए, मेरा मौला उन सबको भी खुशियाँ नसीब करे, औलाद की नेक व सालिया औलाद सबको नसीब हो इलाया में। इंशाल्लाह आपको साथ साथ सारी और भी ज़्यारात जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा इंशाल्लाह बनाकर हमारा YouTube चैनल और पेज पे आपको मिलती रहेंगी। दुआओं में मुझे भी अपने याद रखिएगा। तब तक ले इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम या इस्लाम अलैकुम।